हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको कॉलर वाले सूट की कटिंग बताने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें कॉलर वाले सूट पे तीरा हम कितना लें और इसका आर्मोल कितना डाउन करें, तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों ये हमें कपड़ा बिछाना है पहले, तो साइज के हिसाब से हम कपड़ा बिछाएंगे। मतलब 44.5 इंच तैयार हिप है, जो कि आधा 22.25 इंच है। तो देखिए 22.25 का 11 इंच 2 पॉइंट, और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो दोस्तों ये आएगा 13 इंच 2 पॉइंट, मतलब 2 सूत। तो यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों आप एक चीज़ को और ध्यान रखें, जैसे ये इसमें प्रिंट है फ्लावर्स, तो ये अगर एक रुख को जाते हैं तो ये हमें हमेशा ऊपर की तरफ रखने होते हैं, तीरे की तरफ जिधर हमारा गला बनता है। इसमें एक प्रिंट नीचे को जा रहा है, एक प्रिंट ऊपर को आ रहा है, तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये देखिए हम कपड़े को इस तरह से पहले बिछा लेंगे। कपड़ा हमें बराबर कर लेना है और ये हम 20 सेंटर बना लेंगे। इसमें आप प्रेस अच्छी तरह से, पहले कपड़े में हमेशा हम प्रेस लगा के ही सूट की कटिंग करते हैं, ताकि इसमें जो कपड़े में झोल होता है तो झोल इससे प्रेस से ख़त्म हो जाता है। जैसे कपड़ा थोड़ा सिकुड़ा सा होता है तो वो एकदम फिनिश हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सूट हमारा लूज और टाइट होने का चांस नहीं रहता। तो आप जब भी सूट कटिंग करें तो प्रेस ज़रूर कर लें, बिना प्रेस के भी कटिंग हो जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लूज टाइट होने का चांस रहता है। तो कपड़ा हमने देखिए बिछा लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर तीरे का निशान लगाना है। तो ये जो कपड़ा थोड़ा तिरछा होता है तो हमें पहले सीधा निशान लगा लेना है। अब तीरा 16 इंच, तो 16 इंच का दोस्तों हम 8 इंच लेंगे आधा, और इसमें हम आधा इंच जो बाजू को दबाव जाता है बाजू में हमारा, तो उसके लिए हम आधा इंच इसमें ले लेंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा 8.5 इंच। तो ये देखिए हमें तीरे का निशान 8.5 इंच पे लगाना है, और गले की ब्रॉडिंग का निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे, यानी 6 का आधा होता है 3 इंच। अब देखिए हमें आर्मोल कितना डाउन करना है। आर्मोल इसका हम डाउन करेंगे, जितना हम तीरा लेते हैं तो उसी हिसाब से हमें आर्मोल भी डाउन करना होता है। तो इस तरह से ये देखिए हमने आर्मोल डाउन किया है, और इसके बाद में हमें कमर का निशान लगा लेना है। कमर हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और हिप का निशान लगाएंगे हम 22 इंच पे। और दोस्तों ये सूट लंबाई है 47.47 इंच। तो ये हम नीचे तुरपाई के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए निशान हमें इस तरह से सीधा लगा देना है। दोस्तों चेस्ट है 39 इंच, ये बॉडी का नाप है, तो इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। 3 इंच प्लस करने के बाद में हो जाएगा ये हमारा 39 और 3 42 इंच। 42 का हम दोस्तों चौथा हिस्सा लेंगे, तो 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5 इंच। तो ये देखिए हमने 10.5 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब कमर में भी हम 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, तो 32 इंच कमर है, तो इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 35 35 इंच हो जाएगी। 35 का चौथा हिस्सा लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 9.25 इंच। तो यहाँ पे हमें 9.25 इंच कमर पे निशान लगा देना है। दोस्तों हिप है 41.5 इंच। अब 41.5 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44.5 इंच। अब 44.5 इंच को हम चौथाई हिस्सा लेंगे, यानी 4 से भाग करेंगे, तो ये आएगा 11.25 इंच। तो ये देखिए हमें यहाँ पे 11.25 इंच पे निशान लगा देना है। और घेरा घेरा भी है हमारा 22.5 इंच। तो यहाँ पे देखिए 11.25 से थोड़ा सा फालतू हमें ले लेना है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब दोस्तों ये हमने सूट का नाप जो कस्टमर पहने हुए थे तो हमने उसका चाक नापा हुआ है सूट का, तो वो हमने देखिए नीचे से लिया है यहाँ से जितना सूट की लंबाई थी। तो जो घेरा होता है हमारा, तो घेरे से हम ऊपर जितनी दूर हमारे चाक खुले होते हैं तो वहां पे हमने नाप लिया था, तो वो चाक हमारे नीचे घेरे से लेके यहाँ ऊपर आ रहे थे 26.5 इंच। तो ये देखिए हमें 26.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। जो अब हमने हिप का ये निशान यहाँ पे लगाया था, तो दोस्तों यहाँ ना के हमारे यहाँ पे आएंगे। अगर आप घेरे से
नीचे से लंबाई चाक की नापते हैं तो इसी तरह से निशान लगाएं। अगर आप 22 इंच पे या 21 इंच पे अंदाजे से लगाएंगे, जैसे कि सूट का नाप हम 21 इंच या 22 इंच हिप का निशान लगाते हैं, तो दोस्तों उसमें नाप में फर्क हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि सूट हमारा लूज टाइट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप नीचे से घेरे से ये देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे कि हमारे चाक जो कस्टमर पहने होते हैं तो उनके चाक कहाँ खुलते हैं, जहां से खुले होंगे तो वो हमें दूरी नाप लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 26.5 इंच पे आ रहा है। अब जो हमने हिप का निशान ये लगाया हुआ है, तो ये हमें हिप का निशान इस जगह ना लगा के यहाँ पे लगाना है, ये देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि ये सूट जो हमारा लूज हो जाता है हिप से तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाना है, और ये जो निशान है हिप के पास का, तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से निशान लगा देना है। अब दोस्तों इसके बाद में हम सीधी स्केल लेंगे और जहां पे हमारा घेरा है तो उसके बिल्कुल सीधे से हमें मिलाना है इस तरह से। तो ये देखिए हमने चाक का निशान यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे अपर चेस्ट का निशान लगाना है। अपर चेस्ट है 36.5, 36.5 इंच, तो इसमें भी हम 3 इंच का प्लस करेंगे। अब 3 इंच प्लस करने के बाद में दोस्तों ये हो जाएगा 39.5 इंच। अब 39.5 इंच का चौथाई लेंगे, चौथा हिस्सा, तो वो दोस्तों हो जाएगा 10.25 इंच। तो ये देखिए हमें यहाँ पे 10.25 इंच पे निशान लगा देना है। और ये देखिए हमें फुल बस्ट का नाप, ये देखिए 10.5 इंच हमें इस तरह से लगाना है। और हमें और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसी के सीधे से ये यहाँ पे निशान लगाने के बाद में ये देखिए हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। तो ये जो अपर चेस्ट के पास में जो सूट हमारा झोल मारता है, लूज हो जाता है, तो वो लूज बिल्कुल भी नहीं होगा अगर इस तरह से आप निशान लगाएंगे। अब ये दोस्तों देखिए तीरा हमें इस तरह से कंधी डाउन करना है, तो यहाँ पे हम 1 इंच कंधी डाउन कर देते हैं और ये बिल्कुल हमें सीधा निशान पहले लगा देना है। जितना हमने तीरा लिया तो यहाँ पे भी हमें सीधा निशान लगाना है, और उसके बाद में हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें देखिए एरो का निशान लगाना है, और उसके बाद में 1 इंच दूरी से हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। अब इसी तरह से हम बैक के पल्ले में भी निशान इस तरह से देखिए लगा देंगे। ये निशान लगाने के बाद में हमारे सूट का निशान कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिर्फ हमें कट इन करना है। ये देखिए यहाँ से हमें इस तरह से पहले बाहर वाले निशान से कट इन करना है, अभी हम अंदर वाले निशान से कट इन नहीं करेंगे। अब दोस्तों ये हमारा फिटिंग का निशान है, इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो अगर आप आइडिया से कट इन नहीं कर सकते, विगनर्स हैं, तो आप निशान 1.5 इंच का लगा लें। अगर थोड़ा सा आइडिया है तो आप आइडिया से भी इस तरह से देखिए जैसे हम कट इन कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप भी कट इन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट का भाग कट इन हो चुका है, अब हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। दोस्तों हमने बैक पल्ले को भी बिछा लिया है, ये देखिए जो साइज के हिसाब से हमने जिस तरह से हमने फ्रंट के भाग को बिछाया था उसी तरह से हमने बैक के भाग को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर ये जो हमने फ्रंट का भाग कटिंग कर रखा है, तो ये देखिए इस तरह से इसके बिल्कुल बराबर हमें बिछा देना है, ये देखिए इस तरह से यहां से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे। और 1 इंच हम बैक का पल्ला उठा के कट इन करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा में कट इन करना है हमें। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है 1 इंच, तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा में रखेंगे, क्योंकि ये कॉलर वाला है दोस्तों। अगर हम इस तरह से कट इन नहीं करते तो दोस्तों जो गला है हमारा फ्रंट का पल्ला, तो वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तो ये अगर कॉलर वाला है सूट, साइज थोड़ा हैवी है, तो आप ये जरूर इस तरह से सूट की कट इन करें, ताकि जो प्रॉब्लम आती है सूट फ्रंट का पल्ला पीछे भागता है।
तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर बिछा लिया कपड़े को, हमने सिर्फ 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा है, तो इसी तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना ऊपर की तरफ। ये देखिए हम सीधा निशान लगा देते हैं इसमें, और यहाँ पे भी हमें इस तरह से तीरे के बराबर निशान लगाना है, और जो हमने कंधी डाउन की है फ्रंट वाले पल्ले की, तो उसी तरह से हमें बैक पल्ले की भी कंधी डाउन कर देना है। अब ये डाउन करने के बाद में दोस्तों हमें कटिंग कर देना है। तो दोस्तों हमने बैक पल्ले को भी कटिंग कर लिया है, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इससे हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो हिप का निशान लगा था यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है, और ये जो हमने फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगाया है तो वहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब इसके बाद में हम ये देखिए बीच सेंटर का भी कट लगाना है, और जो गला है हमारा तो गले के पास में भी जो ब्रॉडिंग का निशान लगाया है तो वहाँ पे भी हमें कट लगा देना है, और इसमें जो बैक का पल्ला है तो उसमें भी हमें ब्रॉडिंग का निशान लगा देना है। और दोस्तों ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है फ्रंट पल्ले को, तो ये देखिए हमें इस तरह से इसे एक कटिंग कर देना है, ताकि जो कॉलर हमारा गर्दन में पीछे चुभने लगता है, तो ये जो अगर इस तरह से आप आर्म होल इसका गले का बैक पल्ले का कटिंग कर देंगे तो ये जो कॉलर गर्दन में लगता है तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब दोस्तों ये सूट कटिंग हो चुका है, इसका हम फ्रंट का पल्ला जो आर्म होल कटिंग करना है तो वो देखिए किस तरह से कटिंग करना है। तो आप ये फ्रंट वाले पल्ले को हटा के रखें, और जो बैक का पल्ला है तो इस तरह से हटा देना हमें, क्योंकि हमारे कहीं गलती से दोनों एक साथ में कटिंग ना हो जाए, तो इसलिए हम बैक पल्ले को हटा के रख देंगे। और उसके बाद में ये जो हमें फ्रंट का आर्म होल कटिंग करना होता है तो उसके बाद में ये हमने इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब दोस्तों ये सूट हमारा कटिंग हो चुका है, नीचे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे हमें कटिंग करके हटा देना है, और लंबाई के लिए इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड जोड़ लगा के और जो तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं तो वो दोस्तों हम इसमें जोड़ लेंगे कपड़ा। अब देखिए जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है तो ये हमने लंबाई में देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब ये फोल्ड करने के बाद में इसे हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड कर लिया है। नीचे हम सबसे पहले यहाँ पे हमें निशान लगा देना है, और उसके बाद में हम अगर इसमें तुरपाई के लिए रखना है कपड़ा तो हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, अगर इसमें कुछ पाइपिंग लगाना है या फिर डिजाइन बनाना है तो 0.5 इंच का इसमें मार्जिन रख ले। इसमें हमें लगाना है पाइपिंग तो हमने ये सिर्फ 0.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब बाजू की लंबाई 16 इंच है, तो दोस्तों वो 0.5 इंच हम कंधी का दबाव लेंगे, 16.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, और उसके बाद में हम 3 इंच इसके जो आर्म होल डाउन करते हैं तो वो डाउन करना है। इस तरह से बाजू की मोरी है 10 इंच, तो 10 का आधा हुआ 5 इंच। और दोस्तों ये हम निशान बाजू का जब भी लगाते हैं तो अपर चेस्ट के निशान से लगाते हैं, अगर जो फुल बस्ट हो यानी जो चेस्ट का नाप होता है तो उस निशान से लगाएंगे तो बाजू का ये जो मुड्डा है तो लूज हो जाएगा, तो इसलिए जो भी आप अपर चेस्ट अगर नाप लेते हैं तो अपर चेस्ट के नाप से ही ये जो मुड्ढे का बाजू का मुड्ढे का निशान लगाते हैं तो उसी के नाप से लगाएं। तो दोस्तों 36.5 इंच अपर चेस्ट है, इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा करते हैं तो ये हो जाएगा 39.5 इंच। अब दोस्तों 39.5 को भी हमें 5 से भाग करना है तो ये दोस्तों आएगा 8 इंच से एक सूत मतलब एक पॉइंट कम, तो ये हमें देखिए इसी तरह से हमें ये भी निशान लगाना है। तो आप जिस तरह से वीडियो देख के बाजू का फॉर्मूला आसानी से समझ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 इंच मोहरी। अब ये देखिए हमें इस तरह से बाजू को गोलाई देते हुए कटिंग करना है। अब दोस्तों इसमें भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करना है, जैसे हमने कमीज में एक्स्ट्रा मार्जिन दिया तो ये बाजू में भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है। अब ये 20 सेंटर पे हमें कट कर देना है,
अब ये देखिए बाजू का जो फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो वहां पे हमें इस तरह से कटिंग करना है। और दोस्तों ये दो पल्ले हम इस तरह से उठाएंगे और दो हम नीचे रहने देंगे, और उसके बाद में ये देखिए दोनों को हम इस तरह से कटिंग कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारे फ्रंट का भाग है। यहाँ पे आप इस तरह से कट लगा दें या फिर आप कैंची से हल्का सा इस तरह से कट लगा दें। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ तो वो देखिए हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अगर आप बिगनर हैं तो दोस्तों ये गलती ना करें, एक साथ में रख के बाजू की कटिंग ना करें, कहीं गलती से इधर वाले भी भाग का, जैसे हमने फ्रंट का आर्मोल कटिंग किया तो कहीं गलती से इधर का भी ना कट जाए, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सूट कटिंग हो चुका है। अभी हम जो फ्रंट के पल्ले का गले के कटिंग करेंगे, तो गले को हमें देखिए हम आपको बता देते हैं किस तरह से गला कटिंग करना है हमें। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे ये बॉक्स बना देना है हमें इस तरह से, और यहाँ पे हमें एरो को निशान लगा देना है, और उसके बाद में हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक ये हटके इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहीं से हमें शेप देना है। अब ये शेप देने के बाद में इसे हमें कटिंग कर देना है। अब आपका जो गला हो इसमें तो उसी हिसाब से आप यहाँ नीचे कटिंग करके बना सकते हैं। गला डीप है 9 इंच, तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है। अब आप इसमें वी करके भी बना सकते हैं कॉलर लगा के, या फिर इसमें कोई आप डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। तो इसमें हम डिज़ाइन बनाना चाहें तो डिज़ाइन बना सकते हैं, या फिर वी कट करके कॉलर लगा के सूट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये आपको कॉलर वाले सूट की कटिंग का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों अगर आपको ये कटिंग का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में भी हमें बताएं कि आपको कटिंग का तरीका कैसा लगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।